उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और चुनावी माहौल में वो कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत तल्ख हो चुकी हैं। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कौन कौन सी बड़ी बातें बोली हैं, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। कांग्रेस पार्टी को लेकर नाराजगी स्वाभाविक है और उनके पति को टिकट पंजाब में अभी पंजाब कांग्रेस से नहीं मिला है, ये सवाल भी पूछा गया, उसको लेकर भी उन्होंने अलग बातें, हालांकि संभलते हुए ये बातचीत कर रही थी, वहाँ वो कांग्रेस पार्टी को लेकर तल्ख नहीं हुई, लेकिन इस बीच उन्होंने क्या क्या कहा है ये हम अपने दर्शकों को बता दें। रायबरेली अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है, ये कहा है आदित्य सिंह ने। कांग्रेस के नाम पर वोट नहीं मिले, जब सवाल ये पूछा गया कि आपके पिताजी की सियासी विरासत अब संभाल रही थी कांग्रेस का वो गढ़ रहा है, वहां से जो तमाम जो बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के उनका ताल्लुक रहा है, उनका सीधे सीधे कहना था कि नहीं, हम लोग ग्राउंड पे वर्क करते हैं, हमारा कैडर है और वो हमारे लोग थे जिन्होंने हमें वोट किया, चाहे वो मेरे पिताजी को वोट करना हो या फिर आदित्य सिंह को वोट करना हो। आदित्य सिंह का वहां दबदबा रहा है, सियासी तौर पर दबदबा रहा है, ये उनका दावा है। राहुल गांधी सिर्फ चुनाव में आते हैं, राहुल गांधी को लेकर बड़ा कटाक्ष किया है उन्होंने कि सिर्फ चुनाव के माहौल में आते हैं, और आदित्य सिंह का बागी होना इसलिए भी बहुत सारे सवाल छोड़ गया कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के आला चेहरों के लिए, जिसमें प्रियंका गांधी आती है, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन चलाती है, लेकिन आदित्य सिंह से लेकर बड़े जो चेहरे हैं पार्टी के वो एक के बाद एक दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं।